उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में धरती ऐसी चलती है। देखिए, जो भी मैं कहता हूँ कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। सर, क्या उपचुनाव में साथ में चुनाव लड़ेंगे? मिलकर दमदारी के भाजपा को हराएंगे। दसों से होना चाहिए, जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी। जी, दंगाई है जी। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें चला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट चला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए।